दोस्तों आज जो पंक्ति हम पढ़ेंगे उसका नाम है ड्रैकुला का अंत। ये नगरा जो सुपर कमांडो ध्रुव दोनों की है, ये तीसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट है नगरा ड्रैकुला का हमला और दूसरा पार्ट है नागराज और ड्रैकुला। तो पहले आप उन दोनों को पढ़ लेना, तब तभी आपको स्टोरी पूरी समझ में आएगी। तो मैं पढ़ता हूँ उसको आगे से, ड्रैकुला का अंत। इसके दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, सुपर कमांडो ध्रुव के फोल्डर में। तो पढ़ते हैं इसको। ड्रैकुला, रोंगटे खड़े कर देने के लिए इस नाम का सुनना ही बहुत है। एक ऐसा रक्त पिपासु जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ कुछ दिन, साल या सदियों के लिए सुला कर रखा जा सकता है, क्योंकि ड्रैकुला हमेशा उठ खड़ा होता है। जो सदियों पहले संत यूलोजियन के हाथों मरा, फिर ध्रुव के हाथों मरा और नागराज को काट कर गल गया, लेकिन नष्ट फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि वह नागपाशा का अमृत मिला रक्त पीकर अविनाशी हो गया था। इस बार उसको माध्य वेदाचार्य की तिलिस्मी शक्ति ने और ड्रैकुला उस तिलिस्म के शक्ति के बोझ तले दबकर गायब हो गया, लेकिन यह नहीं था ड्रैकुला का अंत। यह तूने मुझे कहां पर लापट का वेदाचार्य, ये कौन सी दुनिया है? ड्रैकुला ने कई लोक देखे हैं, अनगिनत रहस्यों को खोजा है, लेकिन इस दुनिया को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उजाड़ बियावान दुनिया जहां पर न तो जिंदों का कोई निशान है और न ही मृदों का कोई चिन्ह है, फिर मैं खून किसका पीऊंगा, जिंदा कैसे रहूंगा? शायद नहीं रहूंगा। यह जरूर वेदाचार्य का तिलस्म है और यह उसके तिलस्म के रक्षक हैं, और अगर इनमें तिलस्मी शक्ति है तो ये मुझे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ड्रैकुला का सोचना सही था, वह प्राणी उसको नुकसान पहुंचा सकता था और ड्रैकुला उस नुकसान से बच नहीं सकता था। आह, इसका शिकंजा तो बहुत मजबूत है, मैं न तो खोल पा रहा हूँ और न ही अपने आदर्श होने वाली शक्ति का प्रयोग कर पा रहा हूँ। शायद इस तिलस्म के अंदर मेरी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। शौक, लेकिन फिर भी मुझे छूटने की कोशिश तो करनी ही होगी। ड्रैकुला का व्यवहार तो जोरदार था, लेकिन न तो उस प्राणी पर इसका कोई असर हुआ और न ही ड्रैकुला दूसरा वार करने लायक रह गया। आह, मेरा हाथ, इसने तो मेरा पूरा हाथ ही काट डाला। अब मैं अपनी सदियों लंबी जिंदगी में ड्रैकुला को ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। अरे, मेरा हाथ तो अपने आप जुड़ रहा, पर कैसे? समझा, यह जरूर नागपाशा के उस रक्त का कमाल है जिसको मैंने चूसा है। मेरे शरीर में भी अमृत दौड़ गया है, मेरा शरीर अब सही मायनों में अविनाशी हो गया है, यानी अब मुझको अपने शरीर के नष्ट होने के डर को भी दूर भगा देना चाहिए। अब मुझको पूरा ध्यान इस जीव को मारने और इसके बाद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लगाना चाहिए, लेकिन बिना किसी शक्ति के मैं इस भयानक जीव को मारूंगा कैसे? ड्रैकुला के सामने ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आई थी कि उसको बगैर किसी शक्ति के दुश्मन से जूझना पड़ा हो, इसलिए उसको उस प्राणी से निपटने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। आह, यह मुझको मार तो नहीं सकता, लेकिन मुझको टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर मेरे अंगों को जुड़ने से रोक जरूर सकता है, और यह वही कर रहा है, पर मैं इसको ऐसा करने नहीं दूंगा। तिलिस्मी शक्ति मुझसे मेरी सारी शक्तियां छीन सकती है, लेकिन मुझसे मेरी असली शक्ति नहीं छीन सकती, और वह शक्ति है मेरी क्रूरता। ड्रैकुला के हाथों ने एक प्राणी का एक दांत उखाड़ लिया और फिर तलवार की तरह उस दांत को घुमाता हुआ ड्रैकुला का हाथ उस प्राणी के शरीर को कागज की तरह काटता चला गया। अब भागने से कोई फायदा नहीं है, तुझे मुझसे उलझने से पहले ही भाग जाना चाहिए था। अब यहां से कुछ जाएगा तो सिर्फ तेरी जान और मैं। अरे, ये तेज रोशनी एकाक कहां से चमक उठी, क्या यह भी तिलिस्मी शक्ति का ही वार है? आह, ये तो सचमुच तिलिस्मी शक्ति का वार ही होगा, क्योंकि इस चमत्कारी रोशनी में यह प्राणी घुल रहा है और यह किरण मुझको भी जला रही है। ओह, मुझे इस तिलिस्म से किसी भी तरह से निकलना ही होगा। तूने मुझे कहां फंसा दिया वेदाचार्य? ड्रैकुला समझ नहीं पा रहा था कि वह किस लोक में पहुंच गया है। मुसीबत सिर्फ ड्रैकुला पर ही नहीं, कहीं और भी टूट रही थी। मुझे खून चाहिए, खून।
मुझे खून पिला, अपना खून पिला। ड्रैकुला के दंश ने नागपाशा को वैम्पायर बना दिया है और मेरी यांत्रिक शक्तियां भी इसको ठीक करने में नाकाम रही है, और तो ये मुझको पहचान तक नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तक ये गहरी बेहोशी में था, न जाने इसको अचानक होश कैसे आ गया और मेरा एक खून पीने पर उतारू हो गया। बचाओ, अरे कोई तो आओ मुझे बचाने के लिए। तुम कम जरूर बचाएंगे गुरुदेव, लेकिन एक बात याद रखना, दोबारा भागने की कोशिश मत करना। तुम महानगर की सीमा से बाहर नागपाशा को नहीं ले जा सकते। महानगर चारों तरफ से एक तिलसे में बंधा है, इसलिए जब तक नागपाशा महानगर के अंदर है तब तक इसकी शैतानी शक्तियां काबू में रहेंगी। जैसे ये महानगर से बाहर गया वैसे ही ये बेकाबू हो जाएगा, जैसे भी हो गया था। और नागराज और वेदाचार्य, शुक्र है कि तुम दोनों वक्त पर आ गए, वरना मैं भी वैम्पायर बन चुका होता। लेकिन अब इस मुसीबत का इलाज क्या है? हम भला कब तक नागपाशा को त्रिचमी वार से बेहोश करते रहेंगे? इसको ठीक करने का इलाज मैं देख रहा हूं नागराज। ध्रुव, तुम और तुम्हारे साथी कौन है? मैं तो महानगर पर वैम्पायरों के हमले की खबर पाकर दौड़ा चलाया, और ये लोरी है तंत्र साधिका और संत यूलोजियन की वंशज। उसी संत यूलोजियन की वंशज जिसकी हड्डियों के क्रॉस ने पहली बार ड्रैकुला का नाश किया था। मैंने भी इसी की मदद से राजनगर में आतंक फैला रहे ड्रैकुला का हमला नाकाम किया था। इसके रक्त में वैम्पायर शक्ति को नष्ट करने की चमत्कारी शक्ति है। इसके रक्त की एक बूंद नागपाशा के मुंह में जाती नागपाशा वैम्पायर रूप से मुक्ति पाकर सामान्य हो जाएगा। लोरी का रक्त नागपाशा के मुंह में टपका, लेकिन नागपाशा पर कोई असर नहीं हुआ। अरे कुछ भी नहीं हुआ, शायद असर धीरे धीरे सामने आएगा। नहीं ध्रुव, इस बार ड्रैकुला जब जिंदा हुआ था तो उसने लोरी के रक्त के खिलाफ भी प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर ली थी, और नागपाशा को ड्रैकुला ने उसके बाद काटा है। अब लोरी का रक्त ड्रैकुला के असर को खत्म नहीं कर पाएगा, यानी ड्रैकुला को एक ही तरीके से हर बार नहीं मारा जा सकता, हर बार उसको नए तरीके से मारना पड़ेगा। हाँ, और इस बार तुमको उसको तिलिस्मी शक्ति ने बेबस किया है। जल्दी वह तिलिस्मी शक्ति को भी सहने की क्षमता प्राप्त करके फिर से हमारे सामने आ खड़ा होगा, और तब उसको तिलिस्मी शक्ति भी रोक नहीं पाएगी। फिर हमको क्या करना चाहिए? मैं जानता हूं ड्रैकुला नष्ट निवात है, तिलिस्मी आदि ने उसको कहां पर उठा फेंका है, यह तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, वह मेरे तिलिस्मी के पार नहीं जा सकता। हमारे आसपास कई अदृश्य लोग हैं, अलग अलग समय काल में महानगर के स्थान पर ही कई सारी अदृश्य दुनिया हो सकती हैं। ड्रैकुला भी उनमें से ही एक दुनिया में होगा, पर होगा वह महानगर की सीमा के अंदर ही। मैं साधना से उसका पता ढूंढता हूं। वेदाचार्य समाधि में लीन हो गए। मुझे ड्रैकुला की उपस्थिति का आभास मिल रहा है, लेकिन वह आभास बहुत क्षण है। वह हमसे ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन वह जहां पर भी है कई पत्तों में छुपा हुआ है। लेकिन मैं सारी पत्ते उधेड़ कर भी उसको ढूंढ निकालूंगा। ओह, दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और आसपास से कई अन्य तिलिस्मी प्राणी मुझ पर हमला करने के लिए अपने अपने ठिकानों से बाहर निकल आए हैं। लेकिन अगर यह तिलिस्मी प्राणी है तो ड्रैकुला भी नरक का शैतान है। ये चाहे दर्जनों हो, सैकड़ों हो या हजारों, ये मेरे कैद से बच नहीं पाएंगे। ड्रैकुला के पास इस वक्त एक ही हथियार था, खैर बरपाने की उसकी इच्छा शक्ति। मेरे नाखून ही बहुत हैं वेदाचार्य के इन तिलिस्मी प्राणियों का बदन फाड़ने के लिए। ओह, जाले की तरह चारों तरफ फैली है अजीब और गरीब रस्सियां मेरा रास्ता रोक रही है, मेरी फुर्ती को कम कर रही है, और इनकी आड़ में छिपे तिलिस्मी प्राणियों को मुझ पर हमला करने का मौका मिलता जा रहा है। काफी समय से मैंने खून भी नहीं पिया है, अलग सूख रहा है, ताकत भी कम होती जा रही है, और ये इसका फायदा उठाकर मेरे शरीर के दर्वों को चूस रहे हैं। इनको एक एक करके रोकने की कोशिश बेकार है, इनको एक साथ ही रोकना होगा। और ड्रैकुला की शक्ति सामने वह रस्सी टिक नहीं सकी।
ड्रैकुला के हाथ जादुई तरीके से हवा में नाचे और रस्सियों के छोर फांसी फंदों और ऊपर लेते चले गए। और कुछ ही पलों बाद ड्रैकुला पर हमला करने वाले प्राणी फांसी की सजा पाई कैदियों की तरह लटके हुए थे। बड़ी प्यास लग रही है और तुम कमीनों ने मेरा जरा सा खून पीने की जरूरत भी की है। तुम्हारी नसों में तोड़दार दरवे चाहे खून न हो, लेकिन उसमें कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो मेरी प्यास को थोड़ी देर के लिए कम कर सके। ड्रैकुला ने अपने खून का मूल तो मूल सूद तक वसूल किया था, लेकिन असली चमत्कार दिखना तो भी बाकी था। अरे ये क्या, ये रचिया तो इन प्राणियों को अपने अंदर खींच रही है। ये प्राणी इनके अंदर समाकर गायब होते जा रहे हैं। क्या मतलब हो सकता है इसका? अरे तिलिस्मी प्राणियों को लीलने के बाद अभी ये रस्सियां मुझको अपने शिकंजे में कस रही हैं। शायद ये रस्सियां प्राणियों को असफलता का दंड दे रही हैं और उनका अधूरा काम खुद पूरा करना चाह रही हैं। ओह, मैं इन रस्सियों के शिकंजे खोल नहीं पा रहा हूं और इनके रेशे मेरे बदन के अंदर भी घुसते जा रहे हैं। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो रस्सियां मुझको भी अपने अंदर खींच लेगी। पर कर क्या करूं मैं, कैसे कमजोर करूं इन शिकंजों को? मामूली रचिया ड्रैकुला को खत्म नहीं कर सकती। मैं कमजोर करूंगा इनको, जरूर करूंगा। अगले पल रस्सियों में कसा ड्रैकुला का शरीर गोल गोल घूमने लगा और रस्सियों में ऐठन पड़ने लगी। और जब ऐठनों का दबाव अपनी सीमा तक पहुंच गया तो ड्रैकुला का शरीर उल्टी दिशा में घूमने लगा। ऐठने पहले तो खुली और फिर रस्सियां विपरीत दिशा में ऐठने लगी। 3-4 बार लगातार ऐसा करने से रस्सियों के तंतु खींचकर इतने कमजोर हो गए कि ड्रैकुला की बाहें उनको तोड़ सके। ओह, बाल बाल बचा, वरना यह रस्सियां काफी हद तक मुझको अपने अंदर खींच चुकी थी। लेकिन ये मेरा पीछा भी नहीं छोड़ रही है। मुझको इनसे दूर भागना होगा, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। पीछे देखकर भागता ड्रैकुला यह नहीं देख रहा था कि वह कहां पर जा रहा है। आह, ये क्या, आगे एक तिलिस्मी अवरोध है और अवरोध की उस दीवार में बड़े बड़े कांटे निकले हुए हैं। लेकिन लेकिन इन कांटों के निकलने के स्थान पर छेद बने हुए हैं और इस अवरोध की दीवार इतनी लचीली है कि मैं छेद में अटक कर रस्सियों से बच सकता हूं। ड्रैकुला उस छेद में घुसता चला गया और लेकिन लेकिन अब मैं कहां पर आ गया हूँ। आसमान से गिरे तो खजूर में अटके, एक तिलसम से बचकर भागा तो दूसरे तिलसम में आ फंसा हूं। अब क्या करूं मैं, कब तक लड़ता रहूं? ड्रैकुला लगातार आती मुसीबतों से परेशान हो गया था और ड्रैकुला को ढूंढने वाले भी उसकी स्थिति का पता न मिल पाने से तंग आ चुके थे। ड्रैकुला से आती तरंगे बहुत क्षीण हो गई है, अब तो उन तरंगों को पकड़ पाना ही मुश्किल काम है। मेरे ख्याल से ड्रैकुला को जल्दी ढूंढने का एक कारण और भी है। वह कारण क्या है लोरी? अब तक ड्रैकुला दुष्ट आत्माओं का निर्विरोध रूप से राजा था। कोई भी दुष्ट आत्मा उसको चुनौती देने का साहस नहीं करती थी, लेकिन अब ड्रैकुला के इस तरह से गायब होने के बाद हर ताकतवर दुष्ट आत्मा ड्रैकुला का सिंहासन हथियाना चाहेगी। आत्मा में एक भीषण संघर्ष छिड़ जाएगा, लेकिन इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा लोरी? आत्मा दूसरे को अपनी शक्ति दिखाना चाहेगी और ऐसा वे जिंदा प्राणियों के बीच में आतंक फैलाकर करेंगी। ड्रैकुला ने अब तक जितना आतंक फैलाया उससे 100 गुना ज्यादा आतंक बढ़ जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में हम कैसे रोक सकते हैं? ड्रैकुला को जल्दी से जल्दी ढूंढकर उनको रोका जा सकता है। हमको ड्रैकुला को ढूंढना ही होगा ताकि पहले उसके जरिए हम बाकी आत्माओं पर काबू करें और उसके बाद उसको नष्ट करें। अब ड्रैकुला को ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगी वेदाचार्य। अब हमारा या तुम्हारा तो यहाँ पर कोई काम नहीं है नहीं नागराज। मैं तो वापस राजनगर चलता हूँ, तुम भी अपने अपराधों से निपटने के काम पर लग जाओ। तुम ठीक कह रहे हो ध्रुव, वैसे कोई भी अपराधी ड्रैकुला के डर से बाहर निकल ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी गश्त तो लगानी ही पड़ेगी। और जाने से पहले मुझे ऐसा इंतजाम भी करना पड़ेगा कि गुरुदेव और नागपाशा दोबारा न भाग पाए। मुसीबतें न तो ध्रुव के लिए खत्म हुई थी और न ही नागराज के लिए, क्योंकि तिलिस्मी घेरे में रहने के बावजूद भी मालनगर में नई शैतानी शक्तियां
अपना सिर उठा रही थी। गुर महानगर पर छाए तबाही के बादल एक बार फिर कहर बरसाने लगे थे। महानगर पर आई छोटी से छोटी मुसीबत भी नागराज की नजरों से छुप नहीं सकती थी, और फिर यह मुसीबत तो महानगर की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत से भी बड़ी थी। हे देव कालजई, ये क्या चीज है? देखते देखे देखते इतना विशाल काय पेड़ कहां से उगाया? इसमें तो शैतानियत के लक्षण साफ दिख रहे हैं। शायद लोरी ऐसी किसी आने वाली मुसीबत की तरफ इशारा कर रही थी। इस मुसीबत को रोकना होगा, वरना इसकी जड़ें इमारतों की नींवों और शाखाएं इमारतों की दीवार को देखते देखते चूर चूर कर देंगी। यह किला शैतान महानगर को धूल में मिला देगा, लेकिन तिलिस्मी घेरे में होने के बावजूद भी महानगर में यह शैतानी शक्ति कैसे काम कर रही है? खच, वेदाचार्य और लोरी की साधना में भी विनाश वृक्ष ने भंग कर दिया था। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी महानगर में विनाश फैलता ही जा रहा है। हमने शायद ड्रैकुला और उसके सेवकों की शक्ति को ठीक से आका नहीं था। वेदाचार्य जी, तुम्हारा तिलसम भी विफल हो गया है। गुरुदेव, अभी शैतानी ताकत को सिर्फ मेरी यांत्रिक शक्ति ही रोक सकती है। खोल दो मेरे बंधन ताकि मैं इस विनाश वृक्ष को नष्ट कर सकूं। तुम्हारे नाग बंधनों को सिर्फ नागराज ही खोल सकता है, और मेरा तिलसम विफल नहीं हुआ है। बस मैं तिलसम बांधने की गड़बड़ी में एक बात भूल गया था। वह क्या वेदाचार्य जी? मैंने तिलसम को इस प्रकार बनाया था कि शैतानी शक्ति जीवों के शरीर में रहकर भी काम न कर सके, लेकिन मैं यह भूल गया था कि जीवन का एक रूप और भी होता है, पेड़ पौधे। मेरा वर्तमान तिलसम इनमें घुसी शैतानी ताकतों को रोकने में असमर्थ है। तो आप इस भूल को सुधार क्यों नहीं डालते? आप एक नया तिलसम रच डालिए जो जीवों के साथ साथ वनस्पति जीवन में भी शैतानी ताकत को पनपने से रोक सके। ऐसा करने के लिए मुझे पुराना तिलसम तोड़ना पड़ेगा, और इस तिलसम के टूटते ही नागपाशा के साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों के अंदर छुपी शैतानी ताकतें जागृत हो उठेंगी। फिर हम और क्या कर सकते हैं? अभी तक एक ही वृक्ष में शैतानियत के लक्षण नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं सिर्फ इसमें पैदा हुई शैतानी शक्ति को रोकने के लिए इसके पास तिलसम की रचना करता हूं। बाकी वनस्पतियों में भी अगर शैतानी ताकतें पैदा होने लगी तो उनसे बाद में निपटेंगे। तब तक ड्रैकुला को ढूंढने का प्रयास जारी रखो। जल्दी वेदाचार्य को तिलसम की रचना जल्दी से जल्दी पूरी कर लेनी थी, क्योंकि पूरे महानगर के साथ साथ नागराज की जान भी खतरे में थी। इसकी डाले तो अनगिनत है, एक दो डालों की काटने से कुछ नहीं होगा। इस पर कोई ऐसा घातक वार करना होगा जो इसके तने को चीर कर रख दे, जैसे ध्वंसक सर्पों के गुच्छे का वार, जिसके धमाके में मिसाइल वार की सी शक्ति होती है। नागराज के उस वार ने विनाश वृक्ष का सीना फाड़ डाला। ओह, तना फट गया और उसके अंदर से खून का झरना फूट पड़ा है। लेकिन विनाश वृक्ष पर इस वार का कोई खास असर नहीं पड़ा है। ओह, वार बहुत जोरदार था। मेरा दिमाग बेहोशी के अंधेरे में डूबता जा रहा है, लेकिन मुझको अपने आप को संभालना होगा, वरना ये बेहोशी का अंधेरा मेरे लिए मौत का अंधेरा साबित हो सकता है। ये पेड़ शैतानी अवश्य है, लेकिन ये भी एक जीवित वस्तु है, और अगर ये जीवित है तो मेरी भी फुंकार का इस पर असर जरूर होगा, लेकिन उसके लिए मुझको इसे सिर के पास पहुंचना होगा इसकी डालों से बचते हुए। नागराज की योजना तो ठीक थी, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था कि ऐसा करके वह विनाश वृक्ष के शिकंजे में आता जा रहा था। इस शिकंजे से बचने का एकमात्र उपाय था विष फुंकार का असर कारक होना। इतनी तीव्र फुंकार मैंने आज तक कभी नहीं छोड़ी। उम्मीद है कि विनाश वृक्ष पर इसका कुछ तो असर होगा। नागराज के इस वार को विनाश वृक्ष के पत्तों ने बेकार कर दिया। वो इतनी तेज हवा, इस हवा से मेरी विष फुंकार तो क्या, मैं भी उड़ा जा रहा हूं।
नागरा से कहीं पैर टिका पाने से पहले ही वे शाखाएं उसके शरीर में आ धसी और कुछ ही पलों बाद शाखाओं से बिंधा हुआ नागराज का बेहोश शरीर हवा में झूल रहा था। विनाश वृक्ष को रोकने का दम अब शायद किसी में नहीं था। जब तिलस्म के अंदर शैतानी शक्ति अपना सिर उठाने में कामयाब हो सकती थी तो इस बात की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी कि तिलस्म से बाहर के इलाके में शैतानी शक्तियां किस सीमा तक कहर डाल सकती थी। ड्रैकुला ने हमनर के प्राणियों पर इतनी सदियों तक सिर्फ इसलिए राज किया क्योंकि उसने दिन रात खून पी पीकर अपने सेवकों की संख्या बहुत बढ़ा ली थी। वह 1000 का खून पीता था तो मैं सिर्फ 2 सर काट पाता था राजनगर में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ड्रैकुला के बाद मैं सबसे शक्तिशाली शैतान हूं। अब मैं भी सिर काट काट कर अपने सेवकों की तादाद बढ़ाऊंगा। बाकी शैतानों की नजर फिलहाल मुझ पर ही गड़ी है। वे चाहते हैं कि मैं असफल हो जाऊं और फिर उनको मौका मिले। लेकिन मुझे रोकने वाला कोई भी इंसान न तो कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा। हा 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 मैं दिन रात इंसानों के सिर काटता रहूंगा, काटता ही रहूंगा। जल्दी मेरे सेवकों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि मैं ड्रैकुला से भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। उससे पहले हम तुमको वहीं भेज देंगे जहां पर तेरा प्रतिद्वंदी ड्रैकुला गया हुआ है और वह जगह है पता नहीं कहां। उसके बाद तुम दोनों आपस में लड़कर यह तय कर लेना कि ज्यादा शक्तिशाली कौन है। ड्रैकुला से भी अगर मुकाबला हो गया तो भी जीतूंगा मैं ही, यानी सिरकटा, और वह लड़ाई तुम दोनों भी देखोगी मेरे गुलामों की हैसियत से, क्योंकि तब तक मैं तुम दोनों के सिर काट कर तुमको अपना गुलाम बना चुका हूंगा। इस शैतान को रोकना बहुत मुश्किल काम है और यहाँ पहुंचने की जल्दबाजी में हमने तो कोई प्लान भी नहीं बनाया है। प्लान सीधा साधा, ब्लैक कैट, दुरु के आने तक हमको इसको और हत्या करने से रोकना है। इस शैतान से निपट पाना उसी के बस की बात है। और दुरु कितनी देर में आएगा? कमांडो हेडक्वार्टर से सूचना मिली है कि वह महानगर से चल चुका है। उसको यहाँ तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हम उतनी देर तक भी इसको कैसे रोकेंगे? बस इसका हाथ इसकी तलवार तक न पहुंचे दो, बाकी का काम आसान है। काम इतना आसान नहीं है। सिरकटा, यानी मैं सदियों पहले एक युद्ध में मारा गया था। मेरे बदन में अनगिनत तीर, तलवार और बाले दसे थे और वे आज तक मेरे शरीर में दसे हैं। मेरी शैतानी ताकतों ने मेरे शरीर को हथियारों का कभी न खत्म होने वाला गोदाम बना दिया है। आह, बचकर ब्लैक कैट, बचते बचते भी इसका भला गर्दन को छीन ही गया। इसकी पूर्ति लाजवाब है। बड़ाम, लेकिन ये 16वीं या 17वीं शताब्दी है जब युद्ध तीर तलवारों से लड़े जाते थे। यह 21वीं सदी है और इस सदी का युद्ध युद्ध धमाकेदार होता है। उस कैट बम ने सिरकटा के चीथड़े उड़ा दिए। देखा, चंडी का सिरकटा हवा में उड़ गया नरक की तरफ। काफी पावरफुल बम था। यकीन नहीं होता कि हम यह लड़ाई इतनी आसानी से जीत गए हैं। सिरकटा सिरकटाने के बाद कोई भी लड़ाई नहीं आ रहा है और आज भी नहीं आ रहेगा। और ये तो हवा में सही सलामत खड़ा है और हम इसके हड़ीले घोड़े को तो भूल ही गए थे। सबसे पहले इसी को बम से उड़ाना चाहिए था। उसका मौका तुमको अब नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ मेरे घोड़े को ही नहीं, मेरे सेवकों को भी भूल गई हो। ओह, आज हम इतना भूल क्यों रहे हैं? इनकी पकड़ भी बहुत मजबूत है। मैं पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी आजाद नहीं हो पा रही हूं। मैं भी और अब सिरकटा हमारी गर्दने काटने के लिए हम पर निशाना साध रहा है। हथियार दोनों की गर्दने उड़ाने के लिए हवा में चल चुके थे और उनसे बचने के लिए चंडीगढ़ और ब्लैकेट हिल तक नहीं सकती थी। लेकिन उनको हिलने की जरूरत पड़ी भी नहीं क्योंकि ध्रुव ठीक समय पर वहां पहुंच गया था। बस बहुत हुआ शैतानियत का खेल। तुमने अगर शैतानियत को फैलाने की कसम खाई है तो मैंने भी तुम सभी शैतानों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है।
तेरे अंदर मुझको रोकने लायक तो क्या, मुझे छूने लायक शक्ति तक नहीं है। मैं उसे साफ महसूस कर सकता हूँ, लेकिन तूने मेरा भयानक रूप कभी अभी देखा नहीं है, इसलिए तू अभी तक अपने पैरों पर खड़ा है। वो गजब है इसकी शैतानी ताकत, इसका कटा सिर विशाल का रूप धारण करके खून की नदी उगल रहा है, और मेरे पैर इस खून के गड्ढे दलदल में फंसकर रह गए हैं। मैं फुर्ती के साथ हिलडुल भी नहीं सकता, और ये मेरी गर्दन काटने की तैयारी कर रहा है। शैतानों के खिलाफ जंग हर जगह पर जारी थी। ओह, इस विनाश वृक्षी जड़े तो इमारतों खोखला करने के साथ साथ मेरे तिलसम को भी बनने से पहले ही तोड़ रही है। अब मैं क्या करूं? कुछ भी करिए दादा वेदाचार्य, नागराज के पास गिनी चुनी सांसें बची है, बगैर विनाश वृक्ष को काबू में किए उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन ऊपर चमत्कार हो रहा था, नागराज को जकड़ने वाली डाल सूख रही थी। आह, मैं आजाद हो गया, पर कैसे? मुझे जकड़ने वाली ये डाल सूखकर टूट कैसे गई? ओ समझा, मेरे विष ने इस डाल के जीवन दर्वों को नष्ट कर दिया है, यानी मेरा विष इस वृक्ष पर असर डाल सकता है, इसको सुखा सकता है। विनाश वृक्ष ने अपनी तबाही का क्षेत्र फैलाना शुरू कर दिया था। बच्चे वेदाचार्य, अब इस वृक्ष ने अपने व्यापार गुणों को दिखाना शुरू कर दिया है, और ये बेजान चीजों को विनाश करने के साथ साथ जिंदा लोगों पर भी हमला कर रहा है। तुम बच कैसे गए नागराज? मेरे विष से इसकी डाल सूखकर टूट गई। इस वृक्ष को मेरा विष मार सकता है, जैसे ड्रैकुला मुझे काटकर गल गया था, वैसे ये वैम्पायर वृक्ष भी मेरे संपर्क में आने से सूख जाएगा। अगर ऐसा तो जल्दी करो नागराज, अगर ये वैम्पायर गुण दूसरे पेड़ों में फैल गए तो गजब हो जाएगा। एक बात और, अभी तो विनाश वृक्ष द्वारा काटे गए इंसान तिलस्म के कारण सुरक्षित हैं, लेकिन जब तिलस्म टूटेगा तो थोड़े बहुत इंसानी वैम्पायर्स को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन अगर संख्या ज्यादा हुई तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। अगर इस विनाश वृक्ष को थोड़े समय तक और छोड़ दिया गया तो वैम्पायरों की तादाद बेहिसाब बढ़ जाएगी। ओह, अभी अपनी जड़ों के साथ साथ पत्तियों का प्रयोग भी गोलियों की तरह कर रहा है। हम तिलिस्म शक्ति की मदद से जितने इंसानों को बचा सकते हैं बचाएंगे। तुम विनाश वृक्ष से निपटो। नागराज ने एक खतरनाक योजना बना ली थी। इसकी एक डाल या जड़ में विष छोड़ने से विष पूरे वृक्ष में नहीं फैल पाएगा, सिर्फ वह जड़ या डाल सूखकर वृक्ष से अलग हो जाएगी। मुझको इस विनाश वृक्ष के मुख्य तने तक पहुंचना होगा, और उस तने में घुसने का रास्ता बनाकर अपने पूरे विष को उस तने में उगल देना होगा। ऐसा करके मैं निश्चित रूप से अपनी जान गवा बैठूंगा, लेकिन मेरी एक जान हजारों निर्दोषों की जान बचा लेगी। विनाश वृक्ष को आने वाले खतरे का आभास हो गया था। उसकी डाले आगे बढ़ बढ़कर नागराज का रास्ता रोक रही थी, लेकिन नागराज भी इस बार सतर्क था, और इस बार विनाश वृक्ष का शिकंजा उसको जकड़ नहीं पा रहा था। मैं इसके मुख्य विशाल तने तक पहुंच गया हूं, अब बस मुझको इसके अंदर जाने का रास्ता तैयार करना है। दवंसक सर्प के गुच्छों ने विनाश वृक्ष के विशाल तने में एक सुरंग बना डाली। अब यह वृक्ष मुझको अपने तने में दबाकर मेरा कछुमर बना डालेगा, और मेरा विष इसके तने में घुसकर इसको नष्ट कर देगा, और विनाश वृक्ष द्वारा उस सुरंग को बंद कर पाने से पहले ही नागराज उस सुरंग में प्रविष्ट हो चुका था। लेकिन नहीं नागराज, मैं तुमको विष से इस वृक्ष को नष्ट नहीं करने दूंगा। ओह, मुझको यह पता होना चाहिए था कि इस विनाश वृक्ष के पीछे जिसका भी हाथ है वह मुझको रोकने की कोशिश जरूर करेगा। रोकना तो पड़ेगा ही नागराज, क्योंकि तुम जो कुछ करने जा रहे हो वह तुमको नहीं करना चाहिए। शैतानों के हिसाब से तो तुम्हारी भाषा काफी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे इरादे नेक नहीं है। अब या तो तुम खुद इस विनाश वृक्ष को खत्म कर दो, या मैं तुमको मारकर इसको खत्म कर दूंगा। नागराज एक शैतान से जूझने जा रहा था,
और ध्रुव एक दूसरे शैतान से जूझ रहा था। ओह बाल बाल बचा, वरना इसकी तलवार मेरी गर्दन ले उठती। इस गाढ़े खून से छूटने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। ओ मुझे छुटकारा तो मिल सकता है। हाहा, तू खून के तालाब में डुबकी लगाकर बचना चाहता है, लेकिन तू ऐसा करके मेरे जाल में और भी फंसता जा रहा है। मैं तेरे जाल में इसलिए फंस रहा हूं ताकि मैं आजाद हो सकूं। तो मान ले तू आजाद हो गया, पर कैसे? इस कार में भरे पेट्रोल की मदद से, स्टार ब्लेड की मदद से मैंने कार की टंकी तक पहुंचकर उसको काट डाला, और पेट्रोल ने डिस्कर मेरे आसपास के खून को अपने अंदर घोलकर इतना पतला कर दिया कि मैं आजाद हो सकूं। ध्रुव की छोटी सी जीत ने चंडिका और ब्लैक कैट का हौसला वापस ला दिया था। हमको ध्रुव की मदद करनी होगी। इस शैतान को या तो मारना होगा या फिर वापस नर्क जाने के लिए मजबूर करना होगा। दोनों इकामत संभव लगते हैं चंडिका, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी होगी। तुम ध्रुव की मदद करो, मैं कैट बम्बो से इन सर्किटों को आगे बढ़ने से रोकती हूँ। वाह ध्रुव, यह आइडिया अच्छा। इसके हथियार से निकले हथियार शायद इसको मार सकें। मैं भी यही सोच रहा हूँ चंडिका, लेकिन ये कमाल का योद्धा है। मुझे 25 दुश्मनों ने घेर कर मारा था, और वह भी धोखे से। तुम तो सिर्फ दो हो, और वह भी 9 सिखे योद्धा। जल्दी तुम दोनों के सिर तुम्हारे हाथों में होंगे, और तुम लोग भी मेरे गुलामों में शामिल हो जाओगे। आह, ये जो कह रहा है वह ये कर भी सकता है, और मुझे इसको खत्म करने का कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा है। सबसे पहले इसको घोड़े से उतारना होगा ध्रुव। चंडिका एक बार फिर घोड़े को पलटाने की कोशिश में जुट गई। तभी ध्रुव के दिमाग में वह आवाज गूंजने लगी। सिरकटा को नर्क वापस भेजने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसके सिर को इसके धड़ से चिपका दो। आकार पूरा होते ही इसके लोक की ऊर्जा इसको वापस खींच लेगी, और साथ ही साथ इसके द्वारा गुलाम बनाए गए इंसान भी सामान्य रूप में आ जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? कौन कर रहा मेरी मदद? क्या बड़बड़ा रहे हो ध्रुव, मुझे नहीं पहचानते। मैं कर रही हूँ तुम्हारी मदद। तुम निचंडिका को कोई और, खैर जाने दो। सुनो, एक तरीका है इसको यहाँ से रवाना करने का। ध्रुव चंडिका को वह तरीका बताता तो गया। ठीक है, मैं इसका ध्यान बटाती हूँ, तुम इसके सिर से निपटो। ध्रुव जिस काम को आसान समझ रहा था, वह वास्तव में काफी मुश्किल था। खोपड़ी ने विशाल का रूप धारण कर लिया है, और जिस सिर को मैं ठीक से पकड़ तक नहीं पा रहा हूं, उसको मैं सिर कटा के धड़ से जोड़ूंगा कैसे? और अभी ये मुझे चबा जाता। जो करना जल्दी करो ध्रुव, मैं ज्यादा देर तक अपना सिर नहीं बचा पाऊंगी। ध्रुव की तो किसी अनजान शक्ति ने मदद कर दी थी, लेकिन नागराज की मदद करने वाला शायद कोई नहीं था। हार मान लो नागराज, और वापस चले जाओ। मैं तुमको जिंदा रहने का एक मौका दे रहा हूं। तुम मुझको न तो मार सकते हो और न ही हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा विष किसी की जान तो ले सकता है, लेकिन मेरे जैसे परलोकवासियों के पास जान होती ही नहीं है। फिर हमसे तुम भला क्या लोगे? अगर मेरे पास तुम्हारा नुकसान कर पाने की क्षमता न होती, तो तुम मेरे सामने आकर मुझे सलाह देने की तकलीफ न करते। जाहिर है कि मैं तुमको नुकसान पहुंचा सकता हूं, बस मुझको यह पता करना कि मैं नुकसान में तुमको कैसे पहुंचा सकता हूं। अरे मेरा वार इसके आर पार निकल गया। सोचो नागराज, सोचो। जब तक तुम्हारे होश सही सलामत है, तब तक मुझे हराने का तरीका सोचो। कर, क्योंकि उसके बाद जब तुम बेहोश होगे, तो शायद कभी होश में नहीं आ पाओगे। विनाश वृक्ष के कहर को वेदाचार्य और फेसलेस ने कुछ हद तक नियंत्रित कर किया हुआ था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ विनाश वृक्ष और विशाल भी होता जा रहा है, और इसकी शक्तियां भी बढ़ रही हैं। जल्दी हमारी तिलिस्मी शक्तियां इस पर बेअसर साबित होंगी। नागराज जल्दी कुछ क्यों नहीं करता? नागराज एक अनोखे शैतान से जूझ रहा था। हार मान ले नागराज, अभी भी मैं तुझे जिंदा छोड़ सकता हूँ। वापस लौट जा, तुझ में शैतानों से निपटने लायक शक्ति नहीं है। अगर मेरे वार तेरे शरीर के आर पार हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुझे मार नहीं सकता। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अब मुझे अपने वार करने का तरीका बदलना पड़ेगा।
ये कहते रहे सिर्फ मेरे आर पार नहीं हुए बल्कि मेरे सिर के अंदर पहुंचकर रुक गए हैं। ये गोली या बाले का वार नहीं है जो हवा में रुक न सके, ये मेरे दमनशक सर्पों का वार है जो तेरे सिर में घुसकर उस समय का इंतजार कर सकते हैं जब तक ये फटकर तुझे फाड़ नहीं देते। मैं कितनी बार कह चुका हूं पर तुम सुनते ही नहीं। तुम हम शैतानों को नहीं मार सकते नागराज। अब देखो मेरी एक और शक्ति है जिसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। देखो मैं समय की गति को कम कर सकता हूँ। वो इसने अपने अलावा चारों तरफ हर चीज की इस गति को कम कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हर चीज को स्लो मोशन में देख रहा हूँ और इस स्लो मोशन में ये मेरे वारों का वह आराम से हवा में ही रोक सकता है। लेकिन मैं इसके वारों से नहीं बच सकता क्योंकि इसकी गति सामान्य ही बनी हुई है। ये तो शुक्र है कि मेरे सोचने की गति गति सामान्य है, वह धीमी नहीं हुई है। ऐसा तो इस पर विचार तरंगों का वार करो, मानसिक शक्ति का प्रयोग करो नागराज। पर कैसे देवकाल जी के नाग फनी सर्प? मैंने तुमको एक बार बताया था कि हमारे अंदर कई अद्भुत शक्तियां हैं और सही वक्त आने पर तुमको एक एक करके उन शक्तियों का पता चलता जाएगा। उनमें से एक शक्ति दमनशक सर्पों का पता तुमको सही समय आने पर बताया गया था। अब तुमको एक नई शक्ति बताने का समय आ गया है। ये देखो, ये है तिसक सर्प। इसके अंदर मानसिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने की क्षमता है। ये तुम्हारे मस्तक पर लिपट कर तुम्हारे मानसिक रूप को तुम्हारे शरीर से अलग कर देगा। तुम्हारा ये मानसिक रूप इन शैतानों से निपटने में सक्षम है क्योंकि मानसिक ऊर्जा ही वह शक्ति है जो मृत्यु के बाद भी इन मुर्दा शैतानों के शरीर को और रूप को जिंदा रखती है। वाह, लेकिन इस दौरान मेरे हाडमास के शरीर की रक्षा कौन करेगा? तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति नागराज, जब तक तुम मानसिक रूप का प्रयोग करोगे तब तक तुम्हारा शरीर इस इच्छाधारी कणों में बदलकर अदृश्य रहेगा। पर याद रखना, मानसिक ऊर्जा की एक सीमा होती है। जैसे तुम्हारी मानसिक ऊर्जा खत्म होगी वैसे तुम्हारा मानसिक रूप गायब हो जाएगा और तुम्हारा सामान्य शरीर भी फिर से दिखने लगेगा। वह बाद में देखेंगे, फिलहाल तो मुझको इस शैतान को खत्म करके महानगर पर छाए हुए विनाश वृक्ष को खत्म करना है। नागराज का शरीर अदृश्य हो चुका था, अब सामने नजर आ रहा था उसका मानस रूप। आह, तुम्हारा स्पर्श मुझे जला रहा है। यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो मैं तुमको नरक वापस जाने का रास्ता दिखाऊंगा। तुम मुझे तकलीफ पहुंचा सकते हो लेकिन मुझे नष्ट करने का तरीका कभी नहीं जान सकते नागराज। जान सकता हूं तुम कैसे नष्ट हो सकते हो यह मैं नहीं जानता, पर तुम खुद तो जानते ही होगे। मैं इस मानसिक रूप में तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ और उसके जरिए तुमको नष्ट करने का तरीका भी जान सकता हूँ। नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते। कर सकता हूं, देखो मैंने जान लिया तुमको नष्ट करने का तरीका। तुम्हारी मौत एक दुर्घटना में छाती का पिंजर टूट जाने के कारण हुई थी और तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए उस चोट का घातक डर बैठ गया है। आह, मुझको यहां मत मारो, मैं मर जाऊंगा। मैं हार मानता हूं। आह, मेरा मिशन पूरा हुआ। मैं जो जानना चाहता था वह मैंने जान लिया। तुम में वह क्षमता जो ड्रैकुला का नाम को हमेशा के लिए नाश कर देगा। मिशन मैं कुछ समझा नहीं। तुम हार मान चुके हो तो विनाश वृक्ष को नष्ट क्यों नहीं करते? मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस वृक्ष में ड्रैकुला की शक्ति है, पर आत्मा ड्रैकुला की गुलाम नहीं है। कुछ अच्छी आत्मा भी है और मैं ऐसी एक आत्मा हूं। मैं ड्रैकुला का खात्मा चाहता हूँ और इस अभियान में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुमसे लड़ने का मकसद यह जानना था कि तुम वाकई ड्रैकुला का राज खत्म करने की क्षमता रखते भी हो या नहीं। हो सकता है कि ये कोई ड्रैकुला की चाल हो, मैं तुम्हारी बात का भरोसा कैसे करूं? तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसका पार्ट वन कर रहा हूँ, इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे ड्रैकुला का अंत पार्ट टू में। तो अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जब मैं इसका पहला पार्ट ये अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो इसके 1 घंटे के बाद इसका पार्ट टू भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको साथ में कॉमिक्स पढ़ने को मिल जाए। तो मिलते हैं इसके पार्ट टू में, ड्रैकुला का अंत पार्ट टू।